कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए रोज़ाना खाएं ये पांच चीज़, इम्यूनिटी होगी बूस्ट। हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पांच इम्यूनिटी बूस्ट फूड्स बताने वाली हूँ जो कि आपको रोज़ाना लेना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट तो होगी, साथ में आपकी कोरोना वायरस से बचाव भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। COVID-19 कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में अब तक का जो कोरोना मरीज़ का आंकड़ा है वो 10 लाख के पार हो चुका है। इस बीमारी का तोड़ निकालने के लिए डॉक्टर दिन रात जुटे हुए हैं। अगर आप इस बीमारी की चपेट में आने से खुद को बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं इम्यूनिटी से, इन्हीं सभी चीज़ों से एक इम्यूनिटी बूस्टर बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नीम के पत्ते की। नीम का पत्ता इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। सबसे पहले आपको इसके 5 ग्राम नीम के पत्ते ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह से आपको मिक्सी ब्लेंडर में पीस लेना है। इस पेस्ट को गाइस आपको रोज़ खाली पेट खाना है। सुबह आपको रोज़ खाली पेट इसका सेवन करना है। बस आपका इस बात का ध्यान रखना है कि इसे खाने से 1 घंटे के बाद आप कुछ भी ना खाएं और ना ही पिए। ऐसा टाइम आप मेंटेन करिए कि अगर हम नीम के पत्ते का सेवन कर रहे हैं तो उस 1 घंटे में आपको ना ही कुछ पीना है और ना ही कुछ खाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि नीम में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, हमारे अंदर की जो बीमारियां होती हैं उन्हें भी ये जड़ से निकाल देती है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं जो कि वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। आपको गाइस नीम के पत्ते का सेवन रोज़ाना 15 दिन करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। बस गाइस आपको इतना ध्यान रखना है, 15 दिन से ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। जितना हम आपको बता रहे हैं उतने ही दिन आपको उन्हीं टिप्स से इनको फॉलो करना है। अगर आप अपने मन से करोगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे सेकंड टिप ये है, भुई आंवला। आपको 5 ग्राम भुई आंवला के पत्ते ले लेने हैं। इसे अच्छे से आप मिक्सी ब्लेंडर में पीस लीजिए। जैसे नीम के पत्ते हमें सेवन करने हैं वैसे ही ये भी करना है। इस पेस्ट को रोज़ाना आपको खाली पेट लेना है। गाइस ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही है तो आप नीम के पत्ते से भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छा ही औषधीय गुण होता है। अब ये भुई आंवला के कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इसके सेवन से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये सबसे पहला जो मेन हमारा आज का जो टॉपिक है, इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही, साथ में गुर्दे और पित्ताशय की जो पथरी होती है ये उसे भी ठीक कर देता है। इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे अंदर की कई बीमारियों को भुई आंवला ठीक कर देता है। साथ ही यह हेपेटाइटिस बी से लड़ने में भी काफ़ी मदद करता है। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है छिलके वाली अदरक। आपको वीडियो स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, 1/2 इंच अदरक रोज़ाना खाना खाने से पहले चबाना है। इसके जो फ़ायदे हैं ये हैं कि अदरक में एंटी फर्टिलिटी और एंटी इन्फ्लामेंट्री एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। वैसे तो गाइस अदरक हम चाय में डाल करके पीते हैं, हम सब्जियों में भी अदरक डालते हैं, इनसे भी काफ़ी मदद मिल जाती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। रोज़ सुबह हम चाय पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, इनमें भी हम अदरक का सेवन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है आंवला। आंवला के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर आपको आंवला के फ़ायदों के बारे में नहीं पता है तो आप फिर वीडियो सेशन में जाइए, वहाँ पे मैंने आंवला के काफ़ी बेनिफिट्स बताए हुए हैं और ब्यूटी को कैसे हमें ग्लो करना है वो भी आंवला से मैंने बताया हुआ है।
आई होप आपने वीडियो देखा होगा। प्लीज़ नहीं देखा है तो आप वीडियो सेशन में जाकर के देख लीजिए। आंवला हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है और इसमें विटामिन सी पाया जाता है और बीटा कैरेटिन भी होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कई सारे ऐसे गुण होते हैं गाइस आंवला में या फिर आंवला पाउडर में जो हमारे बॉडी में विटामिंस को और मिनरल्स को कंट्रोल करता है, उन्हें मजबूत बनाए रखता है। ओके गाइस, तो अब हमारा जो पांचवा टिप है वो है गिलोय। इसे हम ब्राह्मी भी बोलते हैं लेकिन कई जगह पर इसे गिलोय भी बोला जाता है, गुरबेल भी बोला जाता है। इन सभी चीज़ों से हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। गिलोय और ब्राह्मी का रस आपको या फिर दोनों कैप्सूल्स आपको बाज़ार में मिल जाएगी। अगर आपको पौधा नहीं मिलता है तो बाज़ार में कैप्सूल्स मिलता है, टेबलेट्स मिलता है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। आप इसके फ़ायदे, आपको शक्ति और बुद्धि बढ़ाने में बहुत मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। गिलोय का जो आप पेड़ ले रहे हैं गाइस, उससे आपको अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको मिक्सी ब्लेंडर में इसे पीस लेना है। फिर पीसने के बाद आपको इसका जूस जो आता है वो निकाल करके रोज़ खाली पेट आपको सुबह लेना है। और अगर आप कैप्सूल ले रहे हो तो भी आपको रोज़ सुबह आपको खाली पेट कैप्सूल्स भी लेना है। ओके गाइस, तो यही थी मेरी आज की 5 टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहती थी। अगर आप जो मैंने आपको टिप बताया है आप उसी तरह से फॉलो करोगे तो सिर्फ 15 दिन आपको इन्हें यूज़ करना है। 15 दिनों में आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि कोई भी वायरस आपके बॉडी को छू तक नहीं पाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेटर रिजल्ट मिला है मेरे इन रेमेडी से। एंड हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़।